सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपनी कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड सटीक चीज में मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगी, जिस तरीके से आपके अगर इंटरव्यू एक वीक है या एक महीने है तो आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा जॉब ऑफर ले सकते हो। तो भले ही आपके पास कितना भी टाइम हो, वन वीक हो, वन मंथ हो, या फिर आपको आपके पास थ्री मंथ्स हो, ये सब चीज, सब तीनों सिनेरियोज में ये आपको काम देगा। या चाहे कोई भी हो, आपको इसी प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, इसी तरीके से आपकी कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि आप अच्छे से कम टाइम में भी पढ़ के आप जॉब को ग्रैब कर। इसमें से जो पहला चीज है भाई, सब लोग बोलते हैं, इज द प्रैक्टिस, लाइक स्टडी करना कि क्या है। आपको फंडामेंटल्स आनी चाहिए सबसे पहले तो, और जब फंडामेंटल्स आ गए, जैसे फंडामेंटल्स डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली पूछा जाता है एंड एल्गोरिथम पूछा जाता है। अगर आप कोडिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी, चाहे आप अमेज़न में चले जाओ, चाहे आप TCS में भी चले जाओ, आपका यही चीज पूछेगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स आता है या नहीं। पहला राउंड ही आपका होगा कोडिंग का, और उसमें बेसिकली आपका डेटा स्ट्रक्चर की स्किल्स देखी जाएगी और एल्गोरिथम की स्किल्स देखी जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, फिर ग्राफ हो गया, अगर मोर एडवांस में जाना है तो फिर ग्राफ हो गए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग्स हो गई, देन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गए, वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका इंटरव्यू अमेज़न का इंटरव्यू है, शेड्यूल्ड है, तो मोस्टली आपका ग्राफ से रिलेटेड पूछेगा। ग्राफ का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, बाइनरी ट्रीज के होंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली जब आप पढ़ते हो तो आपका फंडामेंटल्स क्लियर होता है कि किस टॉपिक में, ओके एरे कब सिनेरियो में यूज करते हैं, हैश मैप किस सिनेरियो में यूज करते हैं, फिर आपका ये आ गया कि बाइनरी ट्री कब यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने जब फंडामेंटल्स क्लियर कर लिया तो सेकेंड स्टेप्स आ गया आपका प्रैक्टिस, उस चीज को प्रैक्टिस करना कि अच्छा एरे का क्वेश्चन है तो एरे से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, फंडामेंटल्स क्लियर करो फिर प्रैक्टिस करो। ये दोनों जब कर लिया तो आपने पढ़ लिया, अपना पूरा बेस बना लिया कि यू नो द टॉपिक। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो मींस रिज्यूमे बिल्डअप करना है। तो आपने तो पढ़ लिया, अब आपको बेसिकली प्रेजेंट करना है कंपनी के सामने, तो किस थ्रू करोगे? तो आपको एक रिज्यूमे बनाना होगा, उसके थ्रू बेसिकली कंपनी देखेगा अच्छा इसको ये आता है, इस प्रोजेक्ट अगर फ्रेशर है तो देखिएगा स्किल सेट्स क्या है, और अगर इंटर्नशिप किया है तो दैट विल बी मोर एडवांस, अगर एक्सपीरियंस्ड है तो देखेगा कि अच्छा फंडामेंटल्स तो आते ही हैं आते हैं, प्लस उसने क्या काम किया है। तो फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आई वुड से कि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सारे मॉड्यूल को टच करें, तो आप अपने प्रोजेक्ट का भी रिविजन करके जाओ कि आपने क्या काम किया है, क्या वैल्यू एड किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको ये फोकस करेगा कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अभी के लिए आप इतना देख लो कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से वैल्यू ऐड किया, ये सारी चीजें आपके रिज्यूमे में अच्छे से डिक्लेयर होनी चाहिए। अगर कोई फ्रेशर है तो अपने स्किल सेट को लिखो, और इंटर्नशिप किया तो इंटर्नशिप में क्या काम किया और किस तरीके से वो इम्पैक्ट किया है, तो आप इस चीज को लिखना अपने रिज्यूमे में। रिज्यूमे बिल्डिंग का भी मैं अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे के ऊपर फोकस किस तरीके से बनाते हैं। अभी के लिए बस अपना ये देख लो कि किस तरीके का प्रोसेस होता है। पहला तो आपका हो गया कि आपने पढ़ लिया, दूसरा हो गया कि आपने अपना रिज्यूमे अच्छे से बिल्डअप किया ताकि जब कोई भी इंटरव्यूअर देखे या HR देखे तो आपको कॉल करे इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए आपके रिज्यूमे बहुत अच्छे से होनी चाहिए। रिज्यूमे के साथ साथ आपकी खुद की स्किल, जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, किस तरीके से कितने अच्छे से फ्लुएंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपने इंटरव्यूअर को कि आपने क्या काम किया है और कैसे ये हेल्प कर रहा है, तो वो किसी भी तरीके से आपके रिज्यूमे को देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इवन दो इफ यू डोंट नो द आंसर बट यू नो हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, इन दैट केस यू आर डन, यू विल गेट एन ऑफर देन द वन विच डजंट नो एग्जैक्टली हाउ टू कम्युनिकेट इवन दो दे नो अबाउट द टेक्निकल थिंग। सो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि भाई 85% इज योर कम्युनिकेशन स्किल एंड देन द 10-15% इज योर द टेक्निकल स्किल्स, बट एनी वे नाउअडेज इट हैज बीन avoided and you should be both 50-50 nowadays. Initially it was like that, but अभी ऐसा है कि 50% तो आपको technical आना चाहिए, 50% आप किस तरीके से explain कर रहे हो, चीजें जान रहे हो, ये भी होना आना चाहिए। जब ये दोनों आपके हो गए, आपको अपना find your company and then apply it. So third step, find your company and then apply it. इस चीज के लिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत अच्छा एंड सटीक एग्जाम्पल कि किस तरीके से मैंने भी किया और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी किया, अप्लाई करा है। तो आपको तो बेसिकली अपने नौकरी.com पे अपने रिज्यूमे को अपडेटेड रिज्यूमे को अपलोड करनी है, और
अपने अपने प्रोफाइल को कंटिन्यूअस अपडेट करने, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है, जैसे आप अपडेट करते हो ना तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी, बाकियों की नीचे आ जाएगी, तो ऐसे ही हर दिन किसी ने अपडेट किया तो उसकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, तो जिसकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, जिसने अभी अपडेट किया, तो ऑब्वियसली वो सारे नोटिफिकेशन एचआर को जाएंगे, एंड एचआर जो भी देखेगा कि अच्छा ये बंदा इज लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ही हैज अपडेटेड अ प्रोफाइल, ही इज कंटिन्यूअस डूइंग दैट, इट मींस दैट ही इज अ करेक्ट, लाइक ही इज द एम्प्लॉय हु वांट्स द जॉब, एंड सो वो उसको ही जाकर पहले पिंग करेगी, कॉल करेगी कि ओके हमारे यहाँ ये आपके स्किल सेट से मैच कर रहा है, आप इंटरव्यू दो. तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि आपको अगर इंटरव्यू जॉब का कॉल चाहिए तो अपने रिज्यूमे को हमेशा अपडेट करो, हर दिन अपडेट करो. आप पूछोगे कि भाई अब मैं क्या हर दिन अपडेट करूँ, हर दिन तो अपडेट नहीं कर सकते, मैं नया स्किल सेट तो हर दिन नहीं डाल सकती ना. तो इसका एक ट्रिक है कि आप अपने स्किल को डिलीट करो, फॉर एग्जांपल जावा लिखा उसको डिलीट करो फिर वापस से ऐड करो, इट मीन्स आपने अपडेट किया, कुछ तो डाला, हटाया फिर ऐड किया. तो ये एक ट्रिक है कि इस तरीके से आपके रिज्यूमे हमेशा ऊपर टॉप लिस्ट में रहेंगे और उस तरीके से आपके कॉल आएंगे. ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक तो हो गया naukri.com पे, दूसरा आप कंपनीज के वेबसाइट में जाओ और करियर्स में जाकर देखो कि उनका कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उन्होंने कोई जॉब पोस्ट किया है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये देखते हैं रेफरल चीज, फिर उन्होंने कंपनी में किसने कंपनी में आके अप्लाई किया वो, फिर तीसरा naukri.com पे जाते हैं. तो फिर देखना आप कंपनी में जाके वहां पे लॉग इन करना और फिर सारा डिटेल भरना और अपना रिज्यूमे अपलोड करना. ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो गया कि आप किसी फ्रेंड को रेफरल के थ्रू भी मान सकते हो. आई नो कि बहुत फिजिबल नहीं है कि हर कंपनी में आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे अपना अपलोड करो, और कोई अगर फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है उस कंपनी में तो आप उसको बोलो कि रेफर करने की. इनफैक्ट आप एचआर को लिंक्डइन पे भी जाके मैसेज कर सकते हो क्योंकि ये मेरा रिज्यूमे है और ये जॉब, क्योंकि एचआर भी जॉब पोस्ट करते रहती है लिंक्डइन पे, तो आप वहां पे जाओ और अपना अपना रिज्यूमे उनको फॉरवर्ड करो और बोलो कि ये मैच करता है, कैन आई अपेयर फॉर द इंटरव्यू, कैन यू शेड्यूल माय इंटरव्यू, दैट्स ऑल यू कैन डू. लाइक 3 or 4 प्रोसेस से आपका हो जाएगा. तो पहला प्रोसेस ये हो गया कि आप naukri.com या फिर इंटरव्यू, अब मैं आपको लिस्ट बता दूंगी कहाँ कहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ कहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो. फिर दूसरा हो गया आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो. तो तीसरा हो गया कि आप लिंक्डइन पे डायरेक्टली एचआर को मैसेज करो और लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करो. तो इस तरीके से आपने अपना प्रोफाइल ईमेल भी कर सकते हो किसी भी एचआर को, क्योंकि वो अपना डिटेल्स लिंक्डइन पे डाल के रखती हैं. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. अब नेक्स्ट ऑप्शन हो गया कि पास द इंटरव्यू. अब आपको कॉल आ गया है ये सब कुछ करने के बाद, अब कॉल आने के बाद अब आपको बेसिकली पास करना है इंटरव्यू. उस इंटरव्यू को पास करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा ग्लास डोर में जाकर कि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी के लिए क्या क्या राउंड्स होते हैं. ठीक है, राउंड्स या तो उन्होंने मेल भी कर दिया होगा, अगर उन्होंने लिखा होगा कि कोडिंग इन अ व्हाइट बोर्ड तो आपको व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस करनी है, या फिर रिटन टेस्ट होगा जहां पे आपको कोडिंग करना होगा पेपर एंड पेन पे, तो आप इस तरीके से लिखना. और ग्लास डोर पे ये भी देखना कि आप पिछले 2 साल में कौन कौन से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ग्लास डोर से मिल जाएगा, तो आप उसको तो पक्का से रिवाइज करना बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर कंपनी इंटरव्यू. फॉर एग्जाम्पल आपका अमेजन का इंटरव्यू, तो अमेजन का इंटरव्यू तो आप एक बार ग्लास डोर पे जाकर देखना, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड, लीड कोड पे जाकर देखना. हाँ, एक वो आपके मोस्टली स्टडी में कवर हो जाएंगे, बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, 1 week है, तो आप बस वही क्वेश्चन सॉल्व करो कि जो कि कंपनी में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको आइडिया हो गया कि अगर इसको अगर इसने तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछा तो यू कैन इवन आंसर दैट क्वेश्चन. Now, जब आपके पास कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको यू हैव टू थिंक एंड स्पीक कि क्या आप रोज कर रहे हो, तब उसको सॉल्व कर रहे हो. तो अगर आप म्यूट होकर चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे हो, ये आधा घंटा तक सॉल्व कर रहे हो, वो इंटरव्यू और आपको देख रहा है, या तो ऑनलाइन हो या फिर सामने सामने बैठे हो, तो उस केस में लाइक यू लॉस द गेम इवन दो यू नो. तो ये एक ट्रिक होता है कि आप बेसिकली मतलब उसको बताओ कि आप क्या सोच रहे हो. इट्स नॉट अबाउट लाइक यू नो द आंसर, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक. तो कोई भी ना बंदा सारे आंसर्स नहीं जानता, बट आपका थिंकिंग प्रोसेस समझ में आएगा कि अच्छा इसने इतना प्रैक्टिस किया है, ये डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, ये इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, तो उसका अप्रोच मोर ऑप्टिमाइज. तो ये आपके स्टडी जो पोर्शन जो मैंने सब फर्स्ट पॉइंट बताया ना, वो हैंडल करेगा ये सारा चीज. तो बेसिकली इंटरव्यू में भी बहुत सारे राउंड होते हैं, कोडिंग का तो अभी तक का ये है, फिर एचआर राउंड्स होते हैं, फिर कोडिंग के 2-3 राउंड्स होंगे, फिर आपके मैनेजर राउंड्स होंगे, फिर आपका बिहेवियरल राउंड होंगे. तो इस वीडियो में बेसिकली हम फोकस करते हैं कोडिंग इंटरव्यू कैसे आपको 1st, 2nd, 3rd राउंड निकालना है. तो आप समझ गए कि किस तरीके से करना है. तो आपका 3 राउंड तो क्लियर हो गया, मैनेजर राउंड और आपका एचआर राउंड इज बेसिकली मोर अबाउट लाइक क्या काम किया है आपने प्रोजेक्ट में, और एचआर राउंड की ओके ठीक है सैलरी नेगोशिएशन एंड एवरीथिंग एंड यू हैव द जॉब ऑफर. सो आई होप लाइक
आपको सारे स्टेप्स पता चल गया, कभी आप प्रिपेयर कर रहे हो कोडिंग इंटरव्यू के लिए, तो आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, आई विल डेफिनेटली गेट इनटू द जॉब. इवन दो इफ यू आर नॉट गेटिंग द ऑफर लेटर, यू जस्ट लर्न अ लेसन कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है और उस चीज को आप रिपीट नहीं करो. आप बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल करो और देखो कि भाई क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या मिस्टेक्स होगी, और इस तरीके से आपका जो ड्रीम कंपनी है उसके बाद जब ये सारे इंटरव्यू आपने कर लिया जो कि आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए, फिर आप ड्रीम कंपनी के लिए अप्लाई करो और वहाँ पे जाओ. So I hope it is clear to you guys. Thank you for watching the video. And ये किसी ना किसी तरीके से आपको help किया होगा कि अपनी interview preparation किस तरीके से कर सकते हैं. अगर आपको help किया तो please subscribe to our video and we'll come up with more such video. And do subscribe and like our video and share with your friends who is in need of how to prepare for coding interview. So yeah, thank you.